एक तरफ सरकारें बड़े बड़े वादों के साथ गांव में विकास का दावा करती है तो वहीं करोड़ों खर्च करने के बाद भी सुविधा केंद्रों की हालत बहुत खस्ता है। ऐसे ही एक गांव में एबीपीएस न्यूज की टीम पहुंची। ग्राम मनोहर वाला मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तहसील के अंतर्गत आता है। लगभग 4000 की आबादी वाला यह ग्राम पंचायत जिले से 44 किलोमीटर दूर स्थित है। गाँव में जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशाला है जहाँ 400 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर अंदर की हालत जब प्रधानाध्यापक ने दिखाई तो टीम दंग रह गयी। भवन की हालत बेहद जर्जर थी जिसमें कि बच्चों की जान तक को खतरा है। ग्राम प्रधान को लिखी सूचना दी गई पर राज्य सरकार द्वारा फंड नहीं दिया गया। वहीं सबसे ज्यादा खस्ता हालत 1,40,00,000 रुपए में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दिखी। हम नन्नूवाला ग्राम पंचायत के बासिंदे हैं। 1,40,00,000 की बिल्डिंग गवर्नमेंट ने नन्नूवाला 2006 में जब सरोज देवी प्रधान थी वो अपने कर्मठ प्रयासों के द्वारा इस बिल्डिंग को खींच के लाई। बिल्डिंग बनी, गवर्नमेंट ने 1,40,00,000 रुपया 18 बेड अस्पताल बनवाया, लेकिन सरकार की स्टाफ की कमी होने के कारण इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक बाड़बाए के अलावा ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है। सभी ग्रामवासियों को 18 गांव लगते हैं न्याय पंचायत का गांव में। पब्लिक परेशान रहती है, 2 बजे अस्पताल 2:30 बजे बंद कर देता है, एक बेड वो आते हैं 10-12 बजे आता है और जो है साहब पब्लिक बड़ा ही परेशान है। इसमें डॉक्टर की व्यवस्था अस्पताल में हमारे होनी चाहिए। बाहर जो है इतना पानी भर रहा है, 3 बार पैसा आ गया, ठेकेदार लोग पैसा खा गए, पैसा बिल्डिंग के लिए आया, पैसा गया कहाँ ना जाने। जहाँ कर्मचारियों के नाम पर सिर्फ वार्ड बॉय है वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है तो साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गहरे गड्ढों में गंदा पानी तक जमा है। दूसरी ओर इस गांव में हिंदू मुस्लिम सभी लोग बिना भेदभाव के साथ रहते हैं। ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों में पंचायत निधि के पैसों को सीसी सड़के, शौचालय, सोलर लाइट जैसे कार्यों के लिए खर्च किया है। ग्राम निवासी गांव में हुए कार्यों के बारे में बताते हैं तो परेशानियों के बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने गांव में कराए प्रत्येक कार्य का ब्यौरा दिया और हर परेशानी के बारे में टीम को बताया। धर्मेंद्र कुमार है, मैं न्याय पंचायत ग्राम प्रधान हूँ और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो है हम हमेशा जनता की सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। 2005 में भी मेरी माताजी प्रधान बनी थी जिसमें हमने जो है एक ऐतिहासिक काम करा, बड़ा जो है 28 बेडों का हमने हॉस्पिटल बनवाया। लेकिन दुख की बात यह है कि हॉस्पिटल में समय से डॉक्टर नहीं बैठ पाते हैं और गाँव में हमने लगभग 110 शौचालय बनवा दिए हैं। गाँव हमारा पूरा कीचड़ मुक्त हो चुका है। अभी 25-30 शौचालय और बनने हैं और हमारा गांव ODF योजना में भी जो है हो जाएगा, जो हम प्रयास कर रहे हैं। हमने लोगों को, गांव वालों को समझाया है कि भाई बाहर शौच जाने से तमाम बीमारियां फैलती हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ पे विशेष फोकस दे रहे हैं और उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गाँव वालों की सभी जो राशन प्रणाली है हमारी वो भी जो है हर महीने हम राशन वितरण कराते हैं, मानक के अनुसार राशन वितरण होता है। गाँव वालों के लिए हमेशा हम तत्पर तैयार रहते हैं और हमारा प्रयास ये है कि हमारे गाँव में एक पंचायत घर नहीं है, वो शमशान घाट नहीं है जिसमें कि हमें जो कि मुर्दे होते हैं उनको ले जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो शमशान घाट का रास्ता हमारा सही नहीं है, ना ही अंत्येष्टि स्थल है। पंचायत घर भी की भी विशेष आवश्यकता और जर्जर स्कूल हो चुके हैं हमारे यहाँ, जो कि बच्चों की हमें जो है बहुत खतरा लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। कई बार हम लिख के भी दे चुके हैं सरकार को। हमारा सरकार से यही कहना है कि अधिक से अधिक जो है हम गाँव में विकास करें सरकार, और जो है शौचालय भी हमारे आवास भी बन चुके हैं और पेंशनें भी बनवाई हैं हमने, समाज 60 साल आप विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन,